वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जीवन साखियां धन धन संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले महापुरख। पुस्तक पूरन सोई संत लड़ीवार। भैन सुरजीत कौर दा बाबा जी ते निश्चा। बाबा जी सारी संगत नू सेवा सिमरन दे सिद्धांत नाल जोड़दे सन। बाबा जी दा एही गुरमत सिद्धांत नू समर्पित जीवन देख के गुरबाणी दे प्यार वाले गुरमुख प्यारे बाबा जी तों प्रभावित हो जांदे सन। ऐसे ही प्यार वाले गुरमुख प्यारे सन भाई धर्म सिंह ठेकेदार ते उना दे जीवन साथी सुरजीत कौर। धर्म सिंह ते उना दी पत्नी सुरजीत कौर बाबा जी दे बहुत श्रद्धालु संगी सन। बाबा जी दे नाल इना दा बड़ा स्नेह सी। शुरुआत विच भैन जी होरां दा संत महापुरखां दे विच कोई विश्वास नहीं हुंदा सी। भैन जी किसे भी साधु महापुरख नूं नहीं मनदे सन, पर धर्म सिंह दे भैन जी होरी गुरद्वारा संगत सर साहब विखे आउंदे सन ते बाबा जी ते बहुत श्रद्धा रखदे सन। धर्म सिंह होरां ने घर विच श्री अखंड पाठ साहिब रखवाया ते उना दी भैन ने भोग वाले दिन बाबा जी नूं भी सद्दा देण लई कहा, पर भैन सुरजीत कौर ने सद्दा देण तों मना कर दिता। धर्म सिंह दी भैन ने कहा कि बाबा जी पूरन महापुरख हन, बड़े निर्लेप जीवन वाले हन, उन्हां नूं श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग ते सद्दा जरूर देना है। उन्हां दे कहन ते भैन जी सुरजीत कौर बाबा जी नूं सद्दा देण लई मन गई, पर उस दे मन विच बाबा जी ते कोई श्रद्धा नहीं सी। भाई धर्म सिंह होरां ने बाबा जी नूं भोग ते हाजरी भरन लई बेनती कीती। जिस दिन भोग पैना सी, भैन जी सुरजीत कौर शब्द पढ़ रहे सन, गुरपुरा में लावै मेरा प्रीतम, हो वार वार अपने गुरु को जासा। इन्हें नूं बाबा जी भी श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग ते हाजरी भरन लई पहुँच गए। भैन जी सुरजीत कौर बाबा जी नूं नमस्कार करन लई भी नहीं आई। धर्म सिंह दे भैन जी भैन सुरजीत कौर नूं बाबा जी नाल फतेह बुलाउण लई लै के आए। फतेह दी सांझ करके बाबा जी ने वचन कीता, तू मेरी भैन है, पहले तेरे चार भरा ने ते हुण पंजवां मैं हाँ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। जीवन दी सिर्फ एको ही दिशा रह जांदी ते ओ दिशा है गुरबाणी दा रंग, नाम दा रंग, सिमरन दा रंग। ऐसी संगत है पूरन साधु दी, बचन भी है संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद। भैन जी नूं ऐसा ही कुछ महसूस होया, पर मन विच शंके बड़े इकट्ठे होए सी। चिरां तों भेखी साधु देख देख के मन साधु दी संगत वलों मुड़ गया सी, तर्क जन्म लै चुकी सी। इसलिए ये सब महसूस करके भी भैन जी की पूरी तरह श्रद्धा बाबा जी ते नहीं बनी। बाबा जी ने हाजरी भर के लंगर पानी छकिया ते वापस आ गए। भाई धर्म सिंह दे भैन जी होरी लंगर तैयार करके गुरद्वारा संगतसर विखे लियांदे सन। उन्होंने भैन सुरजीत कौर नूं लंगर तैयार करन लई कहा। भैन जी ने लंगर तैयार किया ते बाबा जी वास्ते लै के आए। तीसरी बार भैन जी लंगर लै के आए तां उस वेले मन अंदर श्रद्धा बन गई सी। भैन जी होरां ने बाबा जी नूं लंगर छकाया ते बचन कीता कि बाबा जी असी श्री हेमकुंट साहिब विखे दर्शन करन चले हाँ। बाबा जी ने भैन जी नूं 100 रुपये दिते ते उन्हां दी गड्डी विच 25-30 स्टोव रख दिते ते बचन कीता कि गुरद्वारा साहिब गोबिंद घाट विखे भेटा कर आयो। इंज बाबा जी तो खुशे लै के भैन जी होरी घर आ गए। मिथे दिन भाई धर्म सिंह होरी गुरद्वारा श्री हेमकुंट साहिब जी दे दर्शनां नूं चल पए।
गुरद्वारा साहब गोबिंद घाट तो अगे पैदल यात्रा सी। भैन सुरजीत कौर घोड़ी ते बैठ गए। रस्ते विच भैन जी घोड़ी उत्तों डिग पए ते उना दे थोड़ी सट भी लगी। उना दे मन विच ख्याल आया कि बाबा जी इस घटना बारे कोई बचन करन ते मैनू गुड़ दा प्रसाद छकाउन ते तां ही बाबा जी नू मैं पूरन साधु मन्नांगी। फिर श्री हेमकुंट साहब जी की पावन धरती उत्ते पहुँचे। सतगुरु पातशाह जी के अस्थान के दर्शन इशनान किए। श्री हेमकुंट साहब जी की यात्रा करके धर्म सिंह होरी गुरद्वारा संगतसर साहब विखे आए। बाबा जी नाल फतेह की सांझ की। बाबा जी फतेह की सांझ करके कहिंदे, भैन मेरी घोड़ी तो डिग गई सी, चल हुण एक टीन भैन मेरी दा ते एक टीन मेरा गुड़दा प्रसाद करिए। बाबा जी दे मुख तो यह वचन सुने तो भैन जी बहुत प्रभावित होए। हिरदे अंदर प्रेम शरदा दी चरनाट वह तुरी। मन वार वार यही आके के मना, ये पूरन महापुरख हन, ये पूरन अस्थि हन, ये पूरन साधु हन, यही वो अस्थि हन जिन्हां प्रताए गुरबाणी का फुरमान है। कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे अथवा, हैन विरले नाही घने फैल फकड़ संसार। भैन जी होरां दा बड़ा प्रेम बाबा जी दे नाल बन गया। भैन जी होरां ने बाबा जी दे कोल आउंदे रहना, बाबा जी दे नाल गुरमत विचारां करनियां ते गुरमत पंद दियां जुगतियां बाबा जी दे कोलों बख्शिश लैनियां। गुरबाणी किवें समझिए। एक मेरा भैन जी सुरजीत कौर ने बाबा जी नूं बचन कीता कि बाबा जी बाणी समझ नहीं आउंदी, बाणी किवें समझिए। बाबा जी भैन जी नूं कहिंदे, पुत असी तेरे घर आवांगे, तू बाणी पढ़ी ते असी सुणांगे, पर घर विच भीड़ ना इकट्ठी कर लई। भैन जी ने सत वचन कीता। जिस दिन बाबा जी ने घर आउणा सी, भैन जी होरां ने आपने कुछ रिश्तेदारां नूं वी घर बुला लिया कि बाबा जी ने अज घर आउणा है। बाबा जी आए, जल पाणी छकिया ते वापस चले गए। भैन जी दे मन विच विचार आई कि बाबा जी तां कहिंदे सी कि असी आवांगे ते तू बाणी पढ़ी तैनू समझ आएगी, पर बाबा जी ते बिना दसे ही चले गए हन। अगले दिन भैन जी गुरद्वारा संगतसर साहब विखे आए। गुरफतेह दी सांझ करके भैन जी बाबा जी नूं कहिंदे, बाबा जी तुसीं तां कहिंदे सी कि असी आवांगे ते तूं बाणी पढ़ी तैनू समझ आवेगी, पर तुसीं ते दस के भी नहीं आए, पता ही नहीं लगा कि कदों वापस चले आए। पुत तैनू कहा ते सी कि भीड़ ना पाई। बाबा जी भीड़ कित्थे सी, उह ते भैन भरा ही सन। पुत भीड़ ते चौं जणिआं दी भी हुंदी है। इह बाबा जी दा इशारा ही सी कि गुरबाणी नूं समझना एकांत एकाग्रता दी खेड है। जद तक एकाग्रता नहीं बनदी, बाणी समझ नहीं आउणी। वचन पी है, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकागर चीत तथा, ए मन हर जी त्याए तो एक मन एक चित पाए, हर कियां सदा सदा वड़े आईयां दे ना पछोताए। भैन जी बाबा जी दे दर्शन करके वापस आ गए, पर मन विच बड़ी श्रद्धा सी कि बाणी दी समझ आवे। एक दिन मन विच गुरबाणी दी बड़ी तांग बनी ते भैन जी रात दे 11 बजे उठ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश वाले कमरे विच आए। भैन जी होरां ने घर विच ही गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश कीता होया सी। भैन जी ने गुरु साहिब जी दी हजूरी विच बैठ के बाणी पढ़नी शुरू कीती। तुद भावै तां गावां बाणी, तुद भावै तां सच बखाणी, तुद भावै तां सतगुरु मया, सर्व सुखां प्रभ तेरी दया। हिरदे दी बहुत एकाग्रता बनी। प्रेम प्यार विच भैन जी बाणी पढ़दे रहे ते बाणी दे पाठ विच बड़ा रस आया। भैन जी ने थोड़ा सामने देखिया तो सामने बाबा जी बैठे बाणी सरवण कर रहे सन। ये कौतक देख के भैन जी बहुत आश्चर्य होए।
अगले दिन सवेरे भैन जी संगत सर साहब कुटिया विखे आए। फतेह की सांझ करके जो रात नू वापरिया सी वो सारी गल बाबा जी नू दसी। बाबा जी भैन जी नू कहंदे के पुत गुरबाणी दी फिर समझ आई सी के नहीं। भैन जी कहंदे के बाबा जी मैनू ते सारी समझ आई ते बड़ा आनंद बनिया। अनंद गरीबी साध संग जित प्रभ चिते आए। बाबा जी कहंदे पुत अगे तो बाणी पढ़न तो पहला ये अरदास करिया कर कि धन गुरु ग्रंथ साहिब जी पिता जी मैनू ते कुछ नहीं आउंदा, तुसी आप ही कृपा करके मैनू सोझी पाउणी। बचन भी है ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जे आप दिवाए। फिर वचन कीता पुत बाणी दे अर्थ नहीं कोई कर सकदा, ना पोते दी समझ आ सकदी है, ए ते गुरु आप ही कृपा करके जिनू सोझी पा देवे। बचन भी है अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावै जिन को नदरम करम होवै, हिरदय तिना समानी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग, जपहो सानग पाणी। कह नानक सदा गावहो ए सच्ची बाणी। भैन जी होर ने गुरु पातशाह जी के चरणों में अरदास करनी ते फिर बाणी पढ़नी ते बड़ा आनंद बनना। वचन भी है वाहो वाहो गुणी निधान है जिसनो दे सो खाए, वाहो वाहो जल थल भरपूर है गुरमुख पय पाया जाए। तथा गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। ज्ञानी भुपिंदर सिंह ऐसा ही बचन बाबा जी ने ज्ञानी भुपिंदर सिंह दे नाल भी कीता सी। ज्ञानी भुपिंदर सिंह कथावाचक श्री अमृतसर साहब शहर दे रहन वाले सन ते लोकल सुखमनी सेवा सोसाइटी विखे कथा करदे हुंदे सन। ज्ञानी जी बाबा बचन लाल सिंह जी दे बहुत श्रद्धालु सन। बाबा बचन लाल सिंह जी दे नाल ही ज्ञानी जी पहली वेरा गुरद्वारा संगत सर साहब विखे बाबा जी कुली वालियां दे दर्शन करन लई आए सन। बाबा जी ने ज्ञानी जी ते बड़ियां बख्शिशां कीतियां ते गुरद्वारा संगत सर साहब विखे भी शब्द विचार करन लई समां दित्ता। ज्ञानी जी दी कथा दा अंदाज बिल्कुल ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन वर्गा सी ते सारी संगत ज्ञानी जी नूं प्यार नाल छोटा मस्कीन कह के बुलाउंदी सी। बड़ा प्यार बाबा जी ने ज्ञानी जी नूं बख्शिश कीता। बाबा जी दे कोलों ही बख्शिशां लै के ज्ञानी जी ने देश विदेश विच कई स्थानां ते कथा करनी आरंभ कीती। ज्ञानी जी एक वेरा बाबा जी दे कोल आए, गुरफतेह दी सांझ करके बाबा जी दे कोल बैठ गए। बाबा जी ने पंक्ति पढ़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै ऐसे सुन समाया। बाबा जी ने ज्ञानी जी नूं इस पंक्ति दे अर्थ पुछे। ज्ञानी जी ने अर्थ कीते तां बाबा जी कहिंदे पुत गल बनी नहीं। ज्ञानी जी कहिंदे कि बाबा जी मैं ते किताब पढ़ी है वह तुहानूं दस दित्ते ने, अनुभव मेरा कोई नहीं, बाकी ते हुण आप जी ही कृपा कर सकदे हो। बाबा जी ने वचन कीता पुत किताबां वी ठीक ने पर पुत जिस देश तों इह बाणी आई है जदों सुरत उस देश विच चली जावे असल अर्थ उदों ही खुलदे ने ते पुत उह फिर दसे भी नहीं जा सकदे। वचन भी है हर गुण कहते कह न जाई, जैसे गूंगे की मिठियाई। कथनी कहनी दा विशा ही नहीं, वह गूंगे की मठियाई वाली गल है। असां जो करदे हाँ इनू प्रेरणा ते कह सकदे हाँ पर असल अर्थ किसे विरले गुरमुख प्यारे ते ही बख्शिश हुंदे हन। अनहद बाणी गुरमुख जानी बिरलो को अर्थावै, बाणी पढ़ना विचारना अलग विशा है पर बाणी नाल सुरत दी यात्रा करनी ये बहुत वड्डी कमाई है। इसलिए बाबा जी बाणी विच सुरत जोड़न ते बहुत जोर दिंदे सन ते वचन करदे सन पुत ये अवस्था उसकी रहमत बख्शिश तो बिना बनती नहीं, वो आप ही कृपा कर देवे ते कर देवे। उंज नहीं ये बाणी समझ आउंदी ज्यों बचन पी है कि अकथ कहानी पद निरबाणी को विरला गुरमुख बूझे।
गुरु पातशाह जी दे चरणा विच अरदास करी जाओ ते बाणी पढ़ी जाओ। तकड़े हो के लग जाओ इस पासे, पढ़ी जाओ बाणी पढ़ी जाओ। कपड़ा मैला जिन्ना ज्यादा होवे मेहनत भी उन्नी ज्यादा करनी पैंदी ते साबण भी उन्ना ही ज्यादा खर्च हुंदा। इंज ही मन रूपी कपड़े नूं बाणी रूपी साबण नाल धोई जावो, धोई जावो। होमै दुरत गया सब नीकर, ज्यों साबुन कापर करिया। ते सतगुरु पातशाह जी दे चरणा विच अरदास करदे रहो। एक प्यारे ने बड़ी प्यारी उदाहरण दित्ती सी कि लोहा जा पत्थर कई बार वदान दी एक सट नाल नहीं टुटदे, पर वदान दी एक सट यकीनन उन्हां नूं कमजोर जरूर कर दिंदी है। फिर जिवें जिवें होर सट्टां वजदियां हन लोहा भी टुट जांदा ते सख्त तो सख्त पत्थर भी। इवें मन रूपी पत्थर नूं गुरबाणी दी चोट लगांदे रहो, दृढ़ निश्चा रख के लगे रहो। ये मन रूपी पत्थर भी टुट जाएगा, जितया जाएगा बचन पिया। तन प्रेम हर हर लाए चाबक, मन जिन्हें गुरमुख जीतिया। बाबा जी तो यह भी बचन करया करते सन के तैनू बाणी की भुख लगे तो सही, तेरा हिरदा गुरु ली तड़पे तो सही, गुरु आप तेनू गल ना ला लवेगा। ऐसे प्रेरणामई बचन बाबा जी दे सन। बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले ज्ञानी भुपिंदर सिंह संगतसर साहब विखे आउंदे रहिंदे सन। ज्ञानी जी बाबा बचन लाल सिंह जी दे नाल संगतसर साहब विखे आए हुए सन। बाबा जी ने बाबा दया सिंह जी नूं कोई सुनेहा पहुँचाणा सी। बाबा दया सिंह जी भाई विधि चंद जी दी अंश विचों सन, जो श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दे आनन सेवक सन। भाई विधि चंद जी नूं सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीती सी विधि चंद शीना गुरु का सीना। भाई विधि चंद जी दा नगर सुर सिंह वाला सी ते इस स्थान ते बड़ा सुंदर गुरद्वारा साहब है। बाबा दया सिंह जी इस स्थान ते विधि चंदीए दल दे 11वें मुखी सन। बाबा दया सिंह जी दा बाबा जी कुली वालियां दे नाल बहुत प्रेम सी। दोनों महापुरखां दा आपस विच मिलाप हुंदा रहिंदा सी, बड़ा रंग बनदा सी। साधु साध साध जन नीके, मिल साधु हर रंग की जय। बाबा जी कुली वाले बाबा बचन लाल सिंह जी होरां नूं कहिंदे कि पुत, तुसी हुणे बाबा दया सिंह जी दे कोल जाओ ते उहनां नूं साडा सुनेहा दे के आओ। बचन मन के बाबा बचन लाल जी ते ज्ञानी भुपिंदर सिंह सुनेहा पहुँचाउण लई स्कूटर ते सुर सिंह वाला नज़दीक तरन तारन नूं चल पए। बाबा दया सिंह जी दे स्थान ते पहुँचे ता एक सिंह ने दसिया के बाबा दया सिंह जी अंदर आराम कर रहे हन। बाबा बचन लाल सिंह जी होरां ने उस सिंह नूं दसिया कि असी बाबा जी कुली वालियां दा जरूरी सुनेहा लै के आए हाँ, तुसी बाबा जी नूं अंदर जाके बेनती कर लवो। उस सिंह ने भी हामी भरी कि मैं एक वेरा अंदर जाके देखदा हाँ। वह सिंह फिर अंदर आया ते बाबा जी नूं फतेह दी सांझ कीती। बाबा जी ने फतेह बुला के आउण दा कारण पुछया तां उस सिंह ने दसिया कि बाबा जी कुली वालियां दे अस्थान तो दो सिंह आए हन ते उह बाबा जी दा कोई सुनेहा लै के आए हन। बाबा दया सिंह जी ने बचन सुने तो बाबा जी का इतना प्रेम सी कि बाबा जी ने पैरी जोड़ा भी ना पाया ते जल्दी नाल उठ के कमरे चों बाहर आ गए। इतना सत्कार बाबा दया सिंह जी बाबा जी का करते सन। ऐसे निर्मल सतपुरशा प्रथाए ही पातशाह बचन करते हैं, तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल, गुर कै शब्द विचारे, नानक तिनकै सद बलिहारै राम नाम और तारे। बाबा दया सिंह जी ने बाबा बचन लाल जी होरां नाल फतेह की सांझ कीती ते फिर बचन किया कि सिंघो, अज दे इस माया प्रधान युग विच अगर कोई निर्लेप ते पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी साधु है ते वह बाबा दर्शन सिंह जी हन। बहुत वड्डी हस्ती बाबा दर्शन सिंह जी हन, विरले हन बाबा जी वर्गे साधु बहुत विरले। कहन कहावन हो कीरत करला, कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। बाबा दया सिंह जी ने बाबा बचन लाल सिंह जी होरां नाल होर भी बचन कीते ते बाबा जी दा सुनेहा भी सुनिया। ऐसा प्रेम प्यार दोनों महापुरखों दा आपस विच सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।